इक्वलिटी ऑपरेटर जो होता है इसमें दो आपके ऑपरेटर रहते हैं, एक तो डबल इक्वल, जो डबल इक्वल होता है उसका वो चेक करने के लिए यूज होता है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल का मतलब ये ट्रू जब देता है जब इक्वल नहीं होता, मतलब इक्वल नहीं है या इक्वल है, ठीक है। एक चीज़ होती है बराबर है और एक चीज़ होती है बराबर नहीं है, तो इक्वल इक्वल मतलब बराबर है ये चेक करने के लिए, और नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है ये चेक करने के लिए। अब देखो इक्वल, वी कैन अप्लाई इक्वलिटी ऑपरेटर फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप इंक्लूडिंग बूलियन, मतलब जो इक्वलिटी ऑपरेटर है हम सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम बूलियन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने कल देखा था रिलेशनल ऑपरेटर उसको हम बूलियन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट इस ऑपरेटर को हम बूलियन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? हेलो यस सर। अब देखो टेन इक्वल टू 10.0 क्या होगा आंसर? ट्रू। 10 बराबर है 10.0 के। हाँ स्मॉल ए की ASCII वैल्यू 97 होती है, स्मॉल ए की ASCII वैल्यू 97 होती है, तो यहाँ पे चेक करें ए इक्वल टू 97 ट्रू। ये क्या है बूलियन टाइप का, ट्रू इक्वल टू फॉल्स, क्या ट्रू फॉल्स के बराबर होता है? फॉल्स। क्या 10.5 12.3 के बराबर है? फॉल्स। ठीक है इसको हम टेस्ट करते हैं। सिंपल सी हम ए इक्वल टू बी क्या आना चाहिए आंसर? क्या आएगा? फॉल्स। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा फॉल्स। अगर यहीं पे वही चीज़ हम करते हैं ए इक्वल टू सी तो अब ट्रू आ जाएगा। ठीक है ट्रू ट्रू ओके। और कोई वैल्यू चेक करना चाहते हो आप? क्या सब समझ में आ गया? नॉट इक्वल टू देखते हैं। ठीक है अच्छा ये क्या है? अच्छा अब क्या आएगा? ए नॉट इक्वल टू सी मतलब ए सी के बराबर नहीं है, हम ये चेक कर रहे हैं ये फॉल्स, ए सी के बराबर नहीं फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा? फॉल्स क्योंकि उल्टा हो रहा है, बराबर है वो। ठीक है बराबर है फॉल्स। तो नॉट इक्वल टू का मतलब होता है बराबर नहीं है और इक्वल टू का मतलब बराबर है। ठीक है क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट, वी कैन अप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस आल्सो। ठीक है ये चीज देखो, फॉर टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस R1 इक्वल टू R2 रिटर्न ट्रू इफ R1 एंड R2 इज पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। इक्वल टू ऑपरेटर आल्सो कंपेयर रेफरेंस एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इसका जो काम है दो ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग में हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट है, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है तो हम दो स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू स्ट्रिंग नेम टू इक्वल टू, दोनों के नाम हमने सेम लिए। देखो ये वेरिएबल है बट जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये क्लास है, बाकी जो इंटीजर हम डिफाइन करते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के हैं, बट स्ट्रिंग जो है वो क्लास है। जैसे हमारी टेस्ट क्लास है ऐसे ही स्ट्रिंग एक क्लास होती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है और इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, तो हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए और इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल।
जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल होता है उसको हम नाम देते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इनको। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रू आएगा? नरेश नरेश सैम है। नरेश नरेश ये जो है ना, ये वैल्यू है। ये नरेश नरेश जो है वो वैल्यू है। ये हमारे रेफरेंस है। अभी हम बात क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में, वी कैन अप्लाई इक्वलिटी ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस आल्सो। मतलब क्या कह रहा है कि आर वन और आर टू फॉर टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर वन एंड आर टू, आर वन इक्वल टू आर टू रिटर्न ट्रू इफ आर वन एंड आर टू इज पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जो रेफरेंस है वो सेम ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट। भले वैल्यू सेम है बट ऑब्जेक्ट अलग अलग है। एक ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे तभी ये ट्रू देगा। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, इसको देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक मेमोरी बनती है, ऑब्जेक्ट की एक मेमोरी बनती है। ये मेमोरी हो गई, इसमें नाम हो गया नरेश, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये नेम वन, ठीक है। आपको ऐसे समझ में, नेम वन जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इस जो नेम वन है वेरिएबल उसके लिए ये मेमोरी मिली और उसमें उसका नाम असाइंड है नरेश। नेम टू के लिए ये वाली मेमोरी मिली, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें एन ए आर ई एस, इसमें नरेश टू है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट ये है, इस वाले वेरिएबल का ऑब्जेक्ट ये है। बोलो हाँ या ना। Yes. इस वजह से ये कह रहे हैं कि अगर इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे तो ये ट्रू तभी देगा जब दोनों ये जो हैं एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। बट अभी क्या है, ये एक ही, एक नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं। यहाँ पे नेम वन ये अलग बनाया है, एक ये है और दूसरा ये वाला है, इसीलिए ये अभी हमको फॉल्स देगा। कंटेंट सेम है ना, इस स्ट्रिंग का यही तो खेल है। देखो एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग जो होती है ना वो ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि स्ट्रिंग का खेल ही अलग है। स्ट्रिंग से देखो अभी ये ट्रू क्यों दिया इसने, क्योंकि मैं आपको जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, अभी जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस तरीके से, जब इस तरीके से बनाते हैं ना तो ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग में स्टोर ना होके एक ही में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, अभी शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसका दूसरे तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनता है स्ट्रिंग का, सिर्फ ये स्ट्रिंग के केस में पॉसिबल है। आपको मैं कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली होता क्या है, जो स्ट्रिंग है ना वो जावा में एक स्पेशल टाइप की क्लास है, इसको हम पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। इस सिर्फ स्ट्रिंग ही एक ऐसी क्लास है जिसका दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, एक तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है और एक इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है जो हमने थ्री और फोर बनाए। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्लास के, वो सिर्फ इसी तरीके से बनते हैं जैसे हमने थ्री और फोर के बनाए। बट स्ट्रिंग ही एक स्पेशल चीज़ है जिसका ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं। बट जब हम इस तरह से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके कंटेंट सेम होते हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे केस आपको बताया ना, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया नेम वन और नेम टू, ये सिर्फ स्ट्रिंग के केस में है, याद रखना आप लोग।
और अदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इस तरह से नहीं बनेगा नरेश। ये भी इसी को पॉइंट करेगा और ये भी इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। हेलो हेलो क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं विदाउट न्यू कीवर्ड के थ्रू। ये न्यू कीवर्ड बोलते हैं इसको, जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हमने नेम थ्री और नेम फोर बनाया है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ऐसे नेम थ्री ये इसको पॉइंट करेगा और नेम फोर ये अलग से और इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें नरेश होगा, इसमें भी नरेश होगा, बट ये दोनों अलग अलग पॉइंट करेंगे। तो जब हम बिना न्यू के बनाते हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, बट जब न्यू के थ्रू बनाते हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका कंपेरिजन करें, वन और टू के तो ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम थ्री और फोर को करेंगे तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि अब ये ना दोनों अलग अलग को पॉइंट कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग का फॉल्स आया, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग का केस थोड़ा अलग है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये याद रख सकते हो कि जो रेफरेंस जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, हम उसका यूज ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन करने में भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो Okay. अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि जब हम करेंगे ना कंपैरिजन तो आपको क्लियर हो जाएगा जब आगे चीजें आएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता हूँ इसको डिलीट करो, समझ सकते हो। जैसे स्ट्रिंग s1, ठीक है, ये हमने न्यू का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको भी न्यू का ऑब्जेक्ट करके बनाया है, और स्ट्रिंग s3 इक्वल टू s2, मतलब जो s3 हमने एक रेफरेंस बनाया उसमें s2 को डाल दिया इस वाले को, तो s3 और s2 एक ही हो गए, क्योंकि s2 का जो कंटेंट था, हमने s3 का कोई नया कंटेंट नहीं बनाया, s2 का जो था वही s3 में डाल दिया। इसीलिए जब हम चेक करेंगे s1 और s2, क्योंकि ये न्यू ऑपरेटर के थ्रू बने हैं, तो जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, इसलिए S1 और S2 फॉल्स होगा। S1 और S3 भी कंपेयर करोगे, S1 और S3 ये भी फॉल्स होगा, बट S2 और S3 करोगे तो ये दोनों ट्रू होंगे, क्योंकि इसमें जो कंटेंट था, इसमें जो जो वैल्यू थी, वही हमने इसमें कॉपी कर दी है, S2 की वैल्यू S3 में कॉपी कर दी है, इसीलिए S2 और S3 एक ही ऑब्जेक्ट को बताएं। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग की कम से कम 7-8 क्लासें चलेंगी, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी।